स्वागत है आपका इन्फो वाला चैनल पे। तो UPSI की तरफ से जिसका रिजल्ट काफ़ी विवाद में था, जिस पे काफ़ी आपत्तियां जताई गई थी जिसके रिजल्ट पे, तो उसकी आज फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो गाइज हम आ गए हैं UPSI के मेन वेबसाइट्स पे, जहां पे आप ये देख सकते हैं इसका ये नोटिफिकेशन आ चुका है 14 अप्रैल को। तो इसको खोलते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं इसको। ये देखिए आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है। आपका जो पेपर 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था 2021 में, जो कि 2 दिसंबर तक 2021 तक चला था, उसकी ये अपडेट्स आई हैं, जिसमें कि टोटल 105 क्वेश्चन जितने भी शिफ्ट थे उन सारे शिफ्ट का जितने भी शिफ्ट थे उनमें 105 क्वेश्चन पे आपत्तियां जताई गई थी एस्पिरेंट के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा। तो उन 105 क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन जो है 46 क्वेश्चन उसको सीधे निरस्त किया गया है, और बाकी 59 क्वेश्चंस पे परिवर्तन किया गया है। तो देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये काव्य रीति के कितने भेद हैं, इनमें ये एक क्वेश्चन था किसी भी शिफ्ट में आया होगा, जिसका कि पहले इन्होंने बोला था कि बी सही है, बट फाइनल आंसर की में इसका ए बी और सी तीनों सही बताया गया है, कि इनमें से अगर कोई आप एक टिक किया हो आपने तो आपको नंबर मिलेंगे। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि अलग अलग शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे ये मान लो पहले डी था, डी उत्तर सही था, लेकिन अब इसको सी उत्तर सही किया गया फाइनल आंसर के में, आप देख सकते हैं ऐसे। और ये PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, PDF दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपके टोटल क्वेश्चन 59 है, ये टोटल क्वेश्चन 59 है। अब ये लिस्ट, ये SI की सेकंड लिस्ट है, जो कि 44 क्वेश्चन जो है इनको सीधे तौर पे निरस्त कर दिया गया है। इनका अब आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में इलाहाबाद। अब उसका क्या आदेश आता है, उसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ये नंबर आपके जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। ये 44 क्वेश्चन है जो कि गलत किए, सीधे निरस्त किया गया है इन क्वेश्चंस को। तो गाइस अपनी रनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप पूरी तरीके से रेडी रहें, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ सकता है, आएगा। जिस हिसाब से ये प्रक्रिया चल रही है उसका रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है। तो गाइस बेस्ट ऑफ लक आपके करियर के लिए।